हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय विक्टोरिया ब्लॉग्स में। मैं इस समय जनपद गाजीपुर सेकेंड गेट है हथियारा मठ वाले बाबा जी का। ये देख सकते हैं कुछ गेट है इस तरह से। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यह डबल लाइन का रोड बना हुआ है बाबा जी के मठ पर जाने के लिए। यह रोड जाने के लिए है और यह रोड रिटर्न उधर से आने के लिए है, देखेंगे। और दोनों ही रोड के बीच में बहुत ही खूबसूरत फूल लगाए गए हैं, जो कि लोहे का रेलिंग लगाया गया है। लोहे के रेलिंग से घेरा करने के बाद इसमें फूल पत्ती लगाए गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही खूबसूरत यह सब फूल पत्तियाँ हैं, जो जिसे आप लोग देख पा रहे हैं, देखेंगे। और यह सीमेंट का जो है, यह सीमेंट का बना हुआ है। और यह व्यू सारा जो देख रहे हैं दोस्तों, यह हथियारा वाले मठ जो कि बाबा का है, जो कि भवानी नंदन यति जी महाराज जी हैं, उनका यह मंदिर है और मठ है दोस्तों। और दोस्तों, मैं इस समय आप सभी को मंदिर के या मठ के अंदर जाने का प्रयास करूंगा और अंदर का सीन भी दिखाऊंगा। और यह मंदिर का बाहर का गेट के बाहर का सीन है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं, यह मेन गेट है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं इस समय गेट पर मौजूद है, यह बाबा जी का मेन गेट है मंदिर का। तो मंदिर के बाहर का कुछ इस तरह का सीन है दोस्तों, जैसे गेट पर यह सब चुनरी उनरी भी बांधा गया है, क्योंकि लोग यहाँ पे मन्नते मानते हैं, पूजा पाठ में काफी ध्यान देते हैं, इसलिए यहाँ पे चुनरी भी बांधे हैं, मन्नत मांगे हुए हैं। और यहाँ पे नारियल उरियल भी फोड़ा गया दोस्तों, देख सकते हैं। और यह मंदिर का मेन गेट है दोस्तों, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इमली का वृक्ष है। और यह गौशाला दोस्तों, देखेंगे श्री लक्ष्मी नारायण गौशाला का यह गेट है दोस्तों, इसके अंदर गौशाला है। तो हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों, इसके बाद अंदर चल के मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सीढ़ी बना हुआ है दोस्तों। और यह अंदर का सीन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह मंदिर के अंदर का सीन है। इसके बाद मैं आप सभी को अंदर जाके दिखाऊंगा, देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ पे। अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, यह अंदर का सीन है, देख सकते हैं कुछ इस तरह मठ का मंदिर में का सीन यह है, देखेंगे। यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, यहाँ पे खाना भोजन भी कराया जाता है, यहाँ पे खाना भोजन कराया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ होता है और दोस्तों देख सकते हैं मंदिर के अंदर का व्यू इस तरह का यह मंदिर है। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सिद्धपीठ श्री सिद्धदात्री देवी मंदिर का यह मंदिर है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे अगरबत्ती भी चढ़ाया जाता है। और कुछ इस तरह से मंदिर का व्यू है दोस्तों, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से यह मंदिर का नज़ारा है। और यह मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और इस मंदिर को देख सकते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंदिरों में से एक है। यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से पूजा करने के लिए। देखिए, माता रानी का यह मंदिर है, देख सकते हैं। और दोस्तों, भी यह बहुत ही बड़ा मंदिर है। यहाँ पे पानी पीने के लिए दोस्तों, देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ठंड पानी मिलता है, पीने का शुद्ध जल, शीत जल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पानी पियेंगे, काफ़ी ठंड फीलिंग हो रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे मेरे पीछे जो व्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भोजन वगैरह कराया जाता है, ताकि पूजा पाठ शादी विवाह जब रहता है तो। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इस मंदिर का नज़ारा है, देख सकते हैं सभी लोग पूजा पाठ करके जा रहे हैं। कुछ इस तरह का व्यू मंदिर के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत त्रिशूल भी लगा दोस्तों, देख सकते हैं।
सभी लोग पूजा पाठ करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यह मंदिर कितना खूबसूरत है यहाँ का। यहाँ पे शादी विवाह बेथात दोस्तों देख सकते हैं, सभी लोग पूजा शादी करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरह का दोस्तों सीन है यहाँ का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मैं जिस बड़े हॉल में मौजूद हूँ, यहाँ पे बाबा जी बैठते हैं, यहाँ पे अपने विचारों अपनी बातों को रखते हैं, यहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं। और इसमें बहुत ही बड़ा ये हॉल है, और यहाँ पे मेरे पीछे देखते हैं कि दोस्तों तमाम पंखे लगे हुए हैं, बहुत ही बड़ा हॉल है यहाँ पर। लोग यहाँ पे श्रद्धालु बैठते हैं, ये लोग बाबा जी का प्रवचन सुनते हैं। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हजारों पंखे लगे हैं, और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों यह जो कांच का यह जो कक्ष लगा हुआ है, इसमें बाबा जी बैठते हैं, इसमें 6 एसी लगा हुआ है, और तमाम पंखे भी लगे हुए हैं दोस्तों। यह देखेंगे पंखे भी 2-3 रखे हैं, इसमें एसी भी है दोस्तों, और करीब से दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे पीछे जो कक्ष है बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें एसी भी लगा हुआ है। कोई भी चीज़ को बहुत ही करीब से नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे फोटो वीडियो करने के लिए मना होता है। और यहाँ पे देखेंगे यह है, यह प्राचीन कुआं है दोस्तों, जो कि आज भी जीवित है। इसमें से पानी निकाला जाता है, लोग पीते भी हैं। और यह देख सकते हैं दोस्तों वेल्टेक्स का सब पंखा लगा हुआ है, और इसमें ऐसे भी फिट है चारों तरफ से, तो इसमें बाबा जी बैठते हैं। और किनारे पर देख सकते हैं यह सब गमला लगा हुआ है, फूल पत्ती लगाए गए हैं। और यह माता जी का मंदिर है, जिसे आप लोगों को दिखाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा यह सब टाइल्स लगाया गया है दोस्तों, साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। कुछ इस तरह से बाबा जी का मठ है, और यहाँ पे सब कच्छ बना हुआ है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा है, इसमें सब रूम वगैरह बना हुआ है। तो इस तरह बाबा जी का मठ है। और दोस्तों यह जो बना है, जो कि ये बहुत ही बड़ा बड़ा गाटर लगा हुआ है दोस्तों, बहुत ही मोटा मोटा गाटर है। और यह सब पंखे जो हैं कि 52 पंखे लगे हैं, 52 से 60 पंखे लगाए गए हैं। तो इस तरह का मठ है। और यहाँ पे देखेंगे पोस्टर बाबा जी का लगा है, यह जो हैं यही भवानी नंदन यति जी महाराज जी हैं, और इनके यह जो हैं कि यह गुरु जी हैं, इनके यह गुरु जी हैं भवानी नंदन यति जी महाराज जी के। और यह है देखेंगे इनका नाम लिखा है, परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री भवानी नंदन यति जी महाराज श्री सिद्ध पीठ हथियाराम मठ। तो दोस्तों इस तरह से बड़ा बैनर बना हुआ है। और यह बाजा आप लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको यह इलेक्ट्रिक बाजा है, एक बार टिप देने पर अपने से बजने लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यह मंदिर के अंदर जाने का मेन द्वार है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं साथ दोस्तों। इस तरह से हर जगह फोटो वीडियो अलाउ नहीं होता है दोस्तों, इस फिर भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। इस तरह का यह मंदिर है, देखेंगे इस तरह का यह मंदिर है दोस्तों, यहाँ भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का बाबा जी के मठ का। इसमें देख सकते हैं तमाम पंखे उनके भी चल रहे हैं इस मंदिर में दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इस तरह का यह मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है बाबा जी का, और काफ़ी शांति है यहाँ पे। एक शादी विवाह था, तमाम भीड़ था, और इसके बाद भी दोस्तों मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखेंगे कि यहाँ पे ये अंदर का व्यू है, यहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है, इसके बाद भी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। देखिए देख सकते हैं इसमें यह बाबा जी का VIP सबका छः, इसमें किसी को जाना अलाउ नहीं होता है। हम भी इसमें जाने का प्रयास किए थे, लेकिन हम जा नहीं पाए, हमें इजाज़त नहीं मिल पाया जाने के लिए दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ का सीन दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं श्री दत्तीय के सब गाड़ी लगे हुए हैं,
यहाँ पे देखेंगे ये सब सिद्धपीठ बाबा जी के ये सब गाड़ियाँ लगे हुए हैं। अंदर पकड़ी का बीपी वृक्ष है। तो दोस्तों हम सभी अब बाहर जा रहे हैं, काफी देर से हम लोग इसमें घूम रहे थे और इस मंदिर में इस मठ पे काफी शांति है। एक शादी विवाह यहाँ पे था जो कि बीत चुका है, सभी लोग जा रहे थे, आप सभी को दिखाया। तो दोस्तों इस तरह से मंदिर का व्यू है, जिसे भवानी ने अंदर यतिदिन महाराज जी का मठ है और इनका यह मठ है जिसमें वह बैठते हैं। और यह तमाम देख सकते हैं यह लोहे से घेरा गया है क्योंकि रास्ता सिर्फ एक तरफ बनाया गया है, चारों तरफ से आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कुछ बाबा जी का मठ है और काफ़ी खूबसूरत टाइल्स लगाया गया। दोस्तों सभी प्रांगण में टाइल्स लगाया गया, सीढ़ी पर भी टाइल्स लगाया गया है। और यह दोस्तों मंदिर गाजीपुर में तो क्या सभी जगहों पे बहुत ही विख्यात मंदिर है, मठ है। और यहाँ पे यह बड़ा सा गेट लगा हुआ है, जो लोग मन्नत मांगे रहते हैं वहाँ पे चुनरी भी बांधे गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों इस तरह का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक जरूर करें। मैं यूट्यूब चैनल से विजय विक्टोरिया। जय हिंद, जय भारत।